बॉलर टॉप के ऊपर बगी चलाई, शायद यहां से नॉक हो सकते हैं। ओह माय गॉड, समाओ बच गए। लग रहा था शायद ये गलती उनसे हो गई है, इंडिया से फिनिश हो सकते थे, बट अभी सरवाइव की तरफ किया जा रहा है। पीछे कौन इनको पता है वहां कोई ना कोई खिलाड़ी मौजूद है, निकल कर आ रहा है न्यू को डैमेज पड़ता है तो जाना इंपॉर्टेंट है, बट फाइनली जूसी फिनिश करेंगे कि टीम सोल के फैंस को बिल्कुल दरकार थी। एंड अब इस मैच के बाद की लोकेशन किसी को नहीं पता, वो अलग ही लेवल पर बैठे हैं, चुप कर बैठे हैं। पूरा कंट्रोल जो है इस समय इस खिलाड़ी के हाथ में निकल कर आएगा। चार टीमें मौजूद है, 10 खिलाड़ी समय कंट्रोल में बैठे हैं। थिंक मुझे लगता है फ्रैगर को रिवाइवल देना थोड़ा मुश्किल रहेगा, डाउन किया जाएगा। नहीं, उनको फिनिश करेंगे। डीएवीवी इस समय अकेले बचे, बट द थिंग इज कवर के अंदर है जो कि हेल्प करेगा, बट टॉप ने कोशिश है, बट समहाउ उस गैप को क्लोज इन किया जाएगा। की पोजीशन इस मोमेंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाली है। नियो को अच्छा खासा डैमेज पड़ गया है, लेकिन ओबी का पीछे बैकलाइन क्लियर आउट कर रहे हैं। मात्र 3 टीम्स बच रही हैं, पूरा टीम सोल पे आके खड़ा हो चुका है। जादू इज लास्ट में स्टैंडिंग फ्रॉम टीम डायनेमिक, देयर इट गोस, ओमेगा पिक डाउन करेंगे जादू को। मात्र 2 ज्यादा क्लोज है, जाने साथ है गॉब्लिन को पिक डाउन करेंगे, पर साथ ही साथ नियो का एक अच्छा बैक फायर हमें देखने को मिला। बट नहीं, यहाँ पे पेट कराया गया था।